डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी और खुशी की खबर है। लंबे समय से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही इंडस्ट्री को आखिरकार सफलता मिल ही गई। हम सभी जानते हैं नेटवर्क ही इस इंडस्ट्री की पहचान है और अब इस बात को भारत सरकार ने भी समझा है। जी हाँ, भारत सरकार के केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने डायरेक्ट सेलिंग नियमों में संशोधन कर एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में डायरेक्ट सेलिंग कानून के खंड घ में इस्तेमाल किए गए शब्द सीधे विक्रेताओं के माध्यम से की जगह सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम को जोड़ा गया है। डायरेक्ट सेलिंग नियमों में नेटवर्क शब्द जुड़ने से इंडस्ट्री में सकारात्मकता का प्रचार प्रसार हुआ है। सभी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा की गई वर्षों की मेहनत, योगदान और इंडस्ट्री की एकजुटता की वजह से ये सब संभव हो पाया है। डायरेक्ट सेलिंग नाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मंत्री पीयूष गोयल जी का आभार प्रकट करता है। इस अधिसूचना के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खासा उत्साह देखा जा रहा है।